स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है मैथ मस्ती सचिन सर। दोस्तों मैं सचिन पाल और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जिस पर आपको क्लास 10th की मैथमेटिक्स और साइंस का फुल रिवीजन आपको आज से स्टार्ट किया जा रहा है और आपका फुल रिवीजन आपको मिलेगा। तो आज का चैप्टर आपका त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें आपको हम चैप्टर के बारे में बताएंगे और चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी कराएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आज से आपका टॉपिक शुरू होता है, फर्स्ट टॉपिक आपका चैप्टर 8 बुक के हिसाब से दिया गया है, चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में हम जानेंगे क्या होता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा त्रिकोणमिति का अनुपात, तो सबसे पहले हम देखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं। तो त्रिकोणमिति अनुपात हमारे 6 प्रकार के होते हैं। तो पहले त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में जानेंगे कैसे निकालते हैं। तो जैसे कि आपका एक ट्रायंगल दिया गया है त्रिभुज, ये हो गया आपका त्रिभुज, नाम रखते हैं ए बी और ये हो गया सी। ये होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा जब त्रिकोणमिति अनुपात निकालना तो इसका एक कोण जो हमारा होता है वो समकोण होता है ये, और शेष दो कोण हमारे क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। अगर हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ए बी सी ये त्रिभुज हमारा दिया गया है, ट्रायंगल ए बी सी। अब ए बी सी में अगर हमें सी के अकॉर्डिंग कोई वैल्यू निकालनी है, जैसे त्रिकोणमिति अनुपात हमारे कौन कौन से होते हैं, साइन, कॉस, टैन, उसके बाद आता है कॉसेक, कॉसेक के बाद आता है सेक और सेक के बाद में आता है काट। ये 6 प्रकार की हमारे होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। अब इसमें जैसे कहा जाता है कि आपको टैन सी के कार्ड निकालना है या कॉस सी के कार्ड निकालना है, साइन सी के कार्ड निकालना है, तो हम करते क्या है, यहां पर साइन सी के अकॉर्डिंग निकालना है तो सी यहां पर ले देंगे। अगर नीचे के कोण से अगर लिया जाता है, थीटा इस वाले कोण पर अगर है तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये हमारा थीटा के सामने की भुजा सदैव हमारी होती है लंब, अर्थात इसको एल से लिखते हैं, और 90 अर्थात समकोण के सामने की भुजा हमारी होती है कर्ण, कर्ण को हम लिखते हैं के से, और जो शेष तीसरी भुजा हमारी होती है वो होती है आधार, अर्थात इसको ए से लिखते हैं, ठीक है। अब हमें निकालना है सी की गाड़ी, तो सब में सी लगा देंगे, सी लग गया हमारा, सी हो गया। तो सी वाले अगर नीचे वाले कोण से लिया जाता है तो ध्यान रखना कि लंब वही रहेगा, आधार वही रहेगा, कर्ण तो कभी भी बदलता नहीं है। अगर सेम इसी तरह के प्रोसेस अगर होता है, मान लेते हैं ये दिया गया है इस तरीके से, नाम इसका ए बी सी, ये तो समकोण हो गया, तो जो समकोण है तो समकोण के सामने एक भुजा सीधी सी बात है वही कर्ण हो जाएगी। ये हमारे पास थीटा, अब इस पर मानेंगे, जब इस पर थीटा मानेंगे तो थीटा के सामने की भुजा हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लंब, और जो शेष तीसरी भुजा बचेगी वो क्या हो जाएगी, कर्ण, सॉरी आधार, ये आधार हो गई, शेष तीसरी भुजा हमारी क्या हो जाएगी, आधार। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहां पर भी सेम फिगर बना हुआ है, सेम नाम दिए गए, यहां पर लंब ये है, ये भुजा आधार हो गई यहां पर, और ये भुजा हमारे पास आधार है तो ये भुजा हमारी लंब हो गई, कर्ण तुम्हारा कर्ण है, कर्ण तुम्हारा कर्ण है इसमें भी। तो अब आप ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन अगर आता है आपका, जैसे लिखा होगा सी के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, जैसे साइन सी, तो साइन सी के अगर अकॉर्डिंग पूछा जाता है तो आप ध्यान रखना कि जो भी हमारे पास आएगा थीटा, तो थीटा के सामने की भुजा सदैव हमारी लंब होगी, और ये जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण हमारा होता है समकोण के सामने की भुजा कर्ण हो, तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो सेम इसी प्रकार अभी तक हमारे पास थीटा सी था तो लंब हमारे पास ये था, अब हमारे पास क्या हो गया, थीटा हमारा ए हो गया है तो नीचे भुजा वाली क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। या ऐसे याद रखो दूसरे तरीके से कि जब कोण नीचे से बनेगा तो लंब वाला लंब ही रहेगा, आधार वाला आधार रहेगा, कर्ण तो कभी बदलता ही नहीं। अगर ऊपर वाले कोण से लिया जाता है, जैसे इसमें से ले लिया गया है, सेम प्रोसेस में दे रहे हैं, अगर ऊपर वाले से लिया जाता है तो ऊपर वाले के अकॉर्डिंग लंब वाला आधार हो जाएगा, आधार वाला लंब हो जाएगा, लंब वाला क्या हो गया, आधार हो गया, और आधार वाला लंब हो गया, ठीक है।
तो ये हो गए त्रिकोणमिति का अनुपात हो गया साइन सी या साइन हो गए या यहां पर थीटा मान ले कुछ भी लेकर चलें साइन सी कास सी या एक एक बार निकालेंगे तो ये हमारे हो गए त्रिकोणमिति अनुपात। साइन हो गया कास हो गया और टेन हो गया ये त्रिकोणमिति अनुपात हो गए। अब हमें निकालना कैसे एक फार्मूला आपको बताया गया है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का अर्थात ये जो हमारा होता है ये साइन थीटा होता है या साइन कह लें ये जो हमारा होता है ये होता है कास और ये हमारा होता है टेन। नीचे से हमारे पास ये हो जाएगा कॉसिक और ये हमारा हो जाएगा सिक और ये हमारा हो जाएगा काट। अब ध्यान रखेंगे आप साइन थीटा वाला अगर आपको निकालना है तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण अर्थात इसको लिख सकते हैं लंब हमारा हिंदी में हो गया ये और नीचे हमारा कर्ण हो गया। उसके बाद में कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा हमारा आधार बटे कर्ण हो जाएगा तो ये आधार बटे कर्ण हो जाएगा। यहां पर हिंदी में इसे लिखकर दिखा देते हैं आधार और नीचे क्या हो जाएगा ये कर्ण। तो ये सभी को पता है कि ए से आधार होता है के से कर्ण होता है एल से लंब होता है। अब इसके बाद में इसी प्रकार से निकालेंगे टेन का कासे का टेन का भी निकाल लेते हैं तो टेन थीटा इक्वल हो जाएगा लंब बटे आधार तो लंब ये हमारा हो गया आधार ये हो गया तो लंब हो गया और इसके बाद में ये हमारा आ जाता है आधार। ये आपके सूत्र से रिलेटेड में सूत्र आपके रिवाइज करा दें उसके बाद में आगे क्वेश्चन पर देखते हैं। इसी प्रकार से साइन का उल्टा हमारा होता है कासिक तो कासिक हो जाएगा वन पर कासिक होगा साइन थीटा वाला वन पर कासिक तो पलट देंगे कर्ण वाला ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे या ऐसे कासिक थीटा वाला हो जाएगा कर्ण बटे लंब कर्ण वाला ऊपर चला जाएगा लंब नीचे आ जाए। इसी प्रकार से का जाएगा कर्ण ऊपर चला जाएगा और आधार नीचे आ जाएगा काट का हो जाएगा आधार बटे लंब। इसी प्रकार से आप आगे के भी निकाल लेंगे। चलिए इसके बाद देखिए त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध क्या होता है त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध संबंध। तो देखिए त्रिकोणमिति अनुपातों संबंध क्या होता है आप अनुपात देख चुके हैं अनुपात छह प्रकार के होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात छह प्रकार के हैं तो उनका संबंध भी छह प्रकार का ही होगा हमारा। तो अब यहां पर देखते हैं जैसे दिखा गया त्रिकोणमिति अनुपात में साइन थीटा तो साइन थीटा वाला हमने अभी बताया था साइन थीटा हमारा किसका उल्टा होता है वन पॉइंट कॉसेक का उल्टा होता है तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा वन अपॉन कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा हो जाएगा और यही कॉसेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा सीओ सी कॉसेक थीटा इक्वल। अब देखो जब साइन वन अपॉन कॉसेक हुआ साइन इक्वल वन अपॉन कॉसेक हो रहा है तो कॉसेक का क्या हो जाएगा वन अपॉन साइन हो जाएगा भाई नीचे देखें तो कॉस मार क्या कर्ण बटे लंब होगा कर्ण बटे लंब अर्थात वन अपॉन क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा तो यहां पर आ जाएगा वन अपॉन साइन थीटा। इसके बाद में आता है कॉस का तो कॉस का भी इसी प्रकार निकालेंगे कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा कॉस थीटा दिया गया बीच में तो क्या दिया इसका सेक है तो वन अपान क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा तो वन अपान सेक थीटा। अब सेक थीटा निकालेंगे तो सेक थीटा इक्वल हो जाएगा वन अपान कॉस थीटा। अब इसके बाद आता है थर्ड नंबर आता है टेन थीटा तो टेन थीटा इक्वल हो जाएगा वन अपान कॉट थीटा तो कॉट थीटा इक्वल क्या हो जाएगा वन अपान टेन थीटा। ये हमारे हो गए त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध हो गया। अब इसके बाद में यहीं पर देख लेते हैं कि टेबल हमारी आती है कि हम वैल्यू कैसे याद रखते हैं तो वैल्यू याद रखने के लिए हमने बताया था त्रिकोणमिति अनुपात में जो आती है इसके बाद हमारी टेबल आई जिससे हम साइन कास टेन काटे काट का सभी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं वैल्यू याद कर सकते हैं। तो एक ट्रिक होती है जैसे ये टेबल बना लेते हैं एक ट्रिक होती है जीरो एक दो तीन चार चार से भाग दे दो चार से भाग दे दिया ये अब इस पर लगा दो रूट ये हमने लगा दिया रूट। अब यहां पर जो कट रहा था पहले काट दो टू वन जा टू 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 जा फोर फोर वन जा फोर फोर वन जा फोर बाकी कुछ नहीं कट रहा है। अब जीरो बटे चार है अगर किसी भी नंबर में अगर नीचे हमारे पास कोई भी नंबर आता ऊपर अगर जीरो तो उसका मान सत्य हमारा क्या रहेगा जीरो रहेगा। अगर ऊपर वन है नीचे हमारे पास जीरो आता है तो उसका मान कितना होता है इनफाइनाइट होता है। तो बस ध्यान रखना है ये हमारे निकलेंगे साइन यहां पर देखते हैं जीरो हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा और इधर हो जाएगा 90 डिग्री। यहां पर हमारे पास दिए होंगे त्रिकोणमिति अनुपात त्रिकोणमिति साइन थीटा हो जाएगा या साइन मान लेते हैं अब इस तरीके निकाल दें ये ऊपर हमारे एंगल हो गया अर्थात कोण निकला है
अब जीरो का दिया गया यहां पर निकाल लेंगे हम जीरो बटे चार अर्थात ये साइन के पहले मान निकलेंगे तो साइन जीरो यहां पर हो जाएगा जीरो माना जाएगा एक बटे चार है तो ध्यान रखना वन अपान अगर दिया गया चार तो रूट हमारे पास हो जाएगा वन अपान में हो जाएगा रूट चार तो वन का वन हमारा रहता है रूट से बाहर निकलता है और चार हमारा किसका पूर्ण होता है टू का होता है तो वन अपान कितना हो जाएगा टू तो यहां पर इसकी वैल्यू आ जाएगी वन अपान टू। उसके बाद में यहां पर दिया है वन अपान रूट टू। अब देखेंगे यहां पर दिया जो वन आएगा रूट के अंदर हो जाएगा वन अपान में कितना जाएगा टू तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वन अपान रूट टू। अब देखेंगे वन तो हमारा रूट से बाहर आ जाएगा वन हो जाएगा लेकिन रूट टू किसी का पूर्ण वर्ग होता है क्योंकि रूट टू हमारा पूर्ण वर्ग होता है चार का यहां पर अब टू तो होगा नहीं किसी का तो हमारे पास रूट टू का रूट टू रहेगा वन का वन हो जाएगा नीचे अपान में कितना जाएगा रूट टू तो यहां पर आ जाएगा वन अपान रूट टू हो जाएगा। उसके बाद में रूट थ्री थ्री किसी का पूर्ण वर्ग होता नहीं ना ही किसी का है तो जाएगा रूट थ्री का क्या जाएगा रूट थ्री रहेगा। अब नीचे फोर आएगा रूट फोर का रूट फोर का कितना होता है टू तो यहां पर नीचे आ जाएगा रूट थ्री अपॉन टू। अब वन वन लिखा तो वन वन का क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। ये हमारे निकला है साइन के। साइन के बाद में हम देखेंगे यहां पर सेकेंड आता है कास तो कास का पलट देंगे यहां पर लिखा था उल्टा 90 का हो जाएगा जीरो का 60 वाला हमारा 30 का हो जाएगा 45 का 45 से रहेगा 30 वाला 60 के लिए चलाएगा जीरो हमारा चला जाएगा 90 के लिए उल्टा उधर से उठाकर लिख देंगे वन रूट थ्री अपॉन टू उसके बाद में हो जाएगा वन अपॉन रूट टू ही रहेगा ये हमारा चला जाएगा वन अपॉन टू और जीरो हमारा चला जाएगा कहां पर यहां पर आ जाएगा। इसके बाद में आता हमारा नंबर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं कॉलम बनाने भी फिर बताते हैं आगे ये बन गए कॉलम हमारे। चलिए अब आगे देखते हैं तो ये कॉस हो गया कॉस के बाद में आएगा टैन टैन के बाद आएगा कॉसेक कॉसेक के बाद में आएगा सेक और सेक के बाद में आएगा काट तो सभी की वैल्यू यहां पर लिखी गई। अब आप बताएंगे ट्रिक के माध्यम से कैसे आप नीचे तक कर लेंगे तो दिया गया है टेन टेन देखो अब हाँ ध्यान रखना है कि आपको टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा और कॉस थीटा इक्वल्स होता है कॉस थीटा पलट देंगे कॉस थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा वन अपान सॉरी कॉस थीटा वन हो जाएगा साइन थीटा और इसके पहले आपको सब ये मान बता चुके हैं उसी के बाद में दो फार्मूला ये और ध्यान रखना आपको है तो टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी गई जीरो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी दी गई वन तो यहां पर रखेंगे तो हो जाएगा जीरो बटे एक और इसके पहले हमने बताया था जब जीरो बटे एक अर्थात कोई भी नंबर अंश में अगर जीरो है और हर में कोई भी नंबर दिया है तो उसका मान सदैव क्या रहेगा जीरो ही रहेगा। अगर ऊपर वन है नीचे हमारे पास जीरो दिया गया है तो ध्यान रखना उसका मान कितना होता है इनफाइनाइट अर्थात उसको बोलते हैं परिभाषित नहीं है या अपरिभाषित तो जीरो बटे एक तो जीरो बटे एक क्या आ जाएगा जीरो बटे एक क्या आ जाएगा जीरो। उसके बाद में यहां पर देखेंगे वन अपॉन टू दिया गया है इसको यहां पर एच कर देते हैं वन अपॉन कितना दिया गया है वन अपॉन टू और नीचे बटे में रूट थ्री अपॉन में कितना जाएगा रूट थ्री अपॉन टू। अब इसको पलटेंगे तो वन अपॉन टू दो ऊपर चला जाएगा और रूट थ्री कहां जाएगा नीचे दो दो कैंसिल कितना बचेगा वन अपॉन रूट थ्री दो 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 कैंसिल आ जाएगा वन अपॉन रूट थ्री वन अपॉन रूट थ्री। अब यहां पर देखेंगे रूट टू कैंसिल क्या बचेगा यहां पर वन ये दो और दो कैंसिल क्या बचेगा रूट थ्री। अब एक बटे जीरो अर्थात कितना हमने बताया था अभी इनफाइनाइट इनफाइनाइट अर्थात परिभाषित नहीं। अब देखेंगे साइन कॉस टेन के मान निकल आए तो हमें करना क्या है साइन थीटा बराबर क्या होता है वन अपॉन कॉस थीटा तो इसका उल्टा लिख देंगे। अब यहां पर हमारे पास हर में कुछ नहीं होता जीरो लिखा हुआ जीरो के हर में कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा वन जब वन हमारा हो जाएगा फिर से देख लो यहां पर थोड़ा बड़ा लिख देते हैं क्या दिया गया है साइन साइन का मान दिया गया है जीरो हमें निकालना है किसका कॉसेक तो साइन थीटा इक्वल्स से क्या होता है वन अपॉन कॉसेक होता है तो यहां पर जीरो लिखा है जीरो के बटे में क्या होता है वन या ऐसे ध्यान रखो हमें साइन का उल्टा लिखना है जो मानेगा साइन बटे में क्या जाएगा जब कुछ नहीं होता तो एक होता है तो जीरो बटे एक अब इसका उल्टा करेंगे तो एक बटे क्या हो जाएगा जीरो और एक बटे जीरो को सबने क्या होता था इनफाइनाइट तो यहां पर इसका मान कितना हो जाएगा इनफाइनाइट तो यहां पर लिखेंगे इनफाइनाइट। अब यहां पर एक बटे दो लिखा तो एक बटे दो को पलट दो तो दो बटे एक होगा अर्थात मान कितना जाएगा दो
अब यहां पर दिया गया एक बटे रूट दो, पलट देंगे तो रूट दो कहां चला जाएगा ऊपर और एक, हर में एक का कोई महत्व नहीं होता है। रूट थ्री अपॉन टू लिखा, पलट देंगे तो दो बटे कितना आ जाएगा रूट थ्री। अब यहां पर दिया गया एक, एक के नीचे कुछ नहीं होता तो एक होता है, एक बटे एक अर्थात कितना आ जाएगा एक। अब इसके बाद कास, कास का उल्टा होता है से, तो एक बटे एक अर्थात कितना आ जाएगा एक हो जाएगा। अब यहां पर रूट थ्री अपॉन टू लिखा तो दो ऊपर चला जाएगा और रूट थ्री कहां जाएगा नीचे आ जाएगा। उसके बाद एक बटे रूट दो तो हो जाएगा रूट दो, एक का महत्व नहीं होता हर में। उसके बाद में क्या आता है एक बटे दो लिखा तो दो ऊपर चला जाएगा और एक नीचे अर्थात एक का महत्व नहीं। अब जीरो लिखा है फिर से आ गया जीरो और इसके नीचे कुछ नहीं होगा तो क्या होगा एक, अर्थात ये पोजीशन रहेगी जीरो बटे एक, पलटेंगे तो एक बटे जीरो अर्थात कितना आ जाएगा इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट हो गया। अब बचा है कार, तो कार का देखेंगे तीसरा टेन का, तो जीरो जीरो के नीचे कुछ नहीं तो क्या एक, एक बटे जीरो तो एक बटे जीरो कितना हो जाएगा एक बटे जीरो इनफाइनाइट, तो ये हो गया हमारा इनफाइनाइट। उसके बाद में लिखा है टेन का देखें वन अपॉन रूट थ्री, तो रूट थ्री ऊपर चला जाएगा एक नीचे आएगा तो क्यों मान क्या हो जाएगा रूट थ्री हो जाएगा। एक बटे एक अर्थात कितना हो जाएगा एक, और यहां पर रूट थ्री इसके नीचे कुछ नहीं तो वन होगा। जब देख लीजिए यहां पर वन लिखा हुआ रूट थ्री लिखा है तो रूट थ्री के नीचे कुछ नहीं होगा तो एक होगा, पलटेंगे तो अंदर हो जाएगा एक बटे रूट थ्री, तो यहां पर हो जाएगा एक बटे रूट थ्री। अब यहां पर आता है रूट थ्री पर सर इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट इनफाइनाइट बराबर क्या होता है एक बटे जीरो। अब एक बटे जीरो होता है इनफाइनाइट बराबर होता है एक बटे जीरो, इसको पलटेंगे तो हो जाएगा जीरो बटे एक अर्थात वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पर जीरो हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपके फॉर्मूले हो गए। अब फॉर्मूला के हमारे दिया गया है ए एच टी सी की गाड़ी, ये ए हो गया, ये एस हो गया, ये टी हो गया और ये सी हो गया। तो इसमें देखना हमें ये कि ए एच टी सी में क्या होता है, इसमें आल प्लस होते हैं और इसमें सिर्फ और साइन और कासेक प्लस होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ टैन और क्या होता है काट प्लस होता है, इसमें कास और सेक प्लस होता है, बाकी सभी क्या हो जाएंगे माइनस। तो पहले हम देख लेते हैं दो इसके पॉइंट मेन होते हैं, दो मेन पॉइंट कौन से होते हैं, एक होता है 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, दूसरा आता है हमारा 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा में त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात बदलते अर्थात चेंज होते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है 180 माइनस थीटा या प्लस थीटा, और दूसरा आता है 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा में त्रिकोणमिति अनुपात, मिति अनुपात नहीं बदलते, बदलते हैं। अब त्रिकोणमिति अनुपात होते क्या हैं, साइन थीटा चेंज होगा कास थीटा में और कास थीटा चेंज होगा साइन थीटा में। अपोजिट ऐसे एक बार ही लिख लेते हैं, साइन थीटा चेंज होगा कास थीटा में और कास थीटा चेंज होगा साइन थीटा में। उसके बाद होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा चेंज होगा कॉट थीटा में और कॉट थीटा चेंज होगा टेन थीटा में। उसके बाद होता है सेक थीटा चेंज होगा हमारा कॉसेक थीटा में और कॉसेक थीटा किसमें चेंज होगा सेक थीटा में। बस इतना ध्यान रखना है साइन थीटा चेंज होगा कॉस थीटा में, कॉस थीटा साइन थीटा में, टेन थीटा कॉट थीटा में, कॉट थीटा टेन थीटा में, सेक थीटा कॉसेक थीटा में, कॉसेक थीटा टेन थीटा में। यहां पर केवल दो पॉइंट याद रखने हैं कि 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा में त्रिकोणमिति अनुपात बदलेंगे अर्थात साइन का कास में हो जाएगा, कास का साइन में हो जाएगा, टैन का काट में हो जाएगा और काट का टैन में हो जाएगा, सेक का कॉसेक में हो जाएगा, कॉसेक का सेक में हो जाएगा। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि 90 यानी 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा में त्रिकोणमिति अनुपात नहीं बदलती, केवल चिन्ह बदलेंगे, प्लस होगा तो प्लस रहेगा, माइनस आएगा तो माइनस के लिए हो जाएगा, उसमें ये नहीं होगा साइन का कास में हो जाएगा, साइन का साइन ही रहेगा, कास का कास ही रहेगा, टेन का काट टेन ही रहेगा, काट का काट ही रहेगा, सिक का सिक ही रहेगा, कासिक का कासिक ही रहेगा, केवल
180 प्लस थीटा 103 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा में त्रिकोणमिति अनुपात नहीं बदलते हैं, बाकी सभी में यानी कि दो चार में बदलेंगे और चार में नहीं बदलते हैं। 90 प्लस माइनस थीटा में बदलते हैं और 90 प्लस माइनस थीटा में बदलते हैं, 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा में बदलते हैं। त्रिकोणमिति ना साइन का कॉस में, टेन का काट में, सेक का कॉसेक में, इसका अपोजिट कॉसेक का सेक में, काट का टेन में, कॉस का साइन में, त्रिकोणमिति अनुपात बदलते हैं। अब थोड़ा देख लेते हैं यहां पर, तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा हमारा जाता है फर्स्ट, ये फर्स्ट चतुर्थांश हो गया, ये सेकेंड हो गया और ये हमारा थर्ड हो गया, ये हमारा फोर्थ हो गया। इसमें 90 माइनस थीटा, केवल 90 माइनस थीटा, और इसमें हमारे पास आता है 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा। इसमें थर्ड वाले में आ जाएगा 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, इसमें आ जाएगा 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा। फिर से जो 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा सॉरी माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, उसके बाद आएगा 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा पहुंच जाएगा। तो अब ध्यान दो, जब ये होगा इसमें सिर्फ अगर आएगा सेकंड वाले में आएगा तो साइन और कॉसेक प्लस रहेगा, बाकी चारों जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे वो सब माइनस में हो जाएंगे। वही प्रोसेस में भी इसमें टेन और काट प्लस रहेगा, बाकी शेष चार जो होंगे वो हमारे माइनस हो जाएंगे। इसमें भी दो ये कॉस और सेक प्लस रहेगा, बाकी जो शेष चार होंगे त्रिकोणमितीय अनुपात वो हमारे सभी माइनस हो जाएंगे। जैसे एक करके देख लेते हैं, 90 माइनस थीटा के लिए, बाकी स्वयं आप कर लेंगे आसानी से, मैं बता देते हैं तो उसके बाद कर लेंगे। 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा जा रहा फर्स्ट चतुर्थांश में, तो फर्स्ट में जाएगी, बाकी किसी मतलब ही नहीं है, तो फर्स्ट में जा रहा है, तो सबसे पहले 90 माइनस थीटा आ रहा, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है पॉइंट नंबर फर्स्ट कह रहा था 90 माइनस थीटा में त्रिकोणमिति अनुपात बदलते हैं, अर्थात साइन का कास होगा और कास का, बाकी सभी इसमें रहेंगे आर प्लस, बाकी सब माइनस कोई होगा नहीं, सभी हमारे क्या रहेंगे प्लस। तो यहां पर 90 माइनस थीटा के लिए तो लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन का किसे बदलेगा कास में, तो हो जाएगा कास थीटा, लेकिन किसका रहेगा प्लस का, क्योंकि क्या रहता है आर प्लस, इसमें सभी प्लस रहेंगे, माइनस कोई रहना ही नहीं है। उसके बाद आता है साइन के बाद में निकाल दिया तो कास का कर दें, तो कास का भी निकालेंगे तो 90 माइनस थीटा आएगा, तो ये भी हमारा क्या जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, कास का बदल जाएगा साइन में। उसके बाद में आता है टेन थीटा, तो टेन 90 माइनस क्या हो जाएगा थीटा, इक्वल कितना हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा। अब कॉट थीटा का अगर निकालते हैं तो यहां पर 90 माइनस थीटा आएगा तो हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद में सेक आता है तो सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा। तो इस प्रकार से त्रिकोणमितीय अनुपात बदलते हैं। अच्छा एक और चार देख लेते हैं सेकेंड वाले का, उसके माइनस प्लस आपका क्लियर हो जाएगा। तो सेकेंड वाले में कह रहा है 90 प्लस थीटा के लिए, तो 90 प्लस थीटा के लिए सब यही रहेगा, 90 प्लस थीटा के लिए तो हम लिख लेते हैं साइन 90 प्लस थीटा। तो अब ध्यान दो साइन 90 प्लस थीटा किस में जा रहा है सेकेंड में, जब सेकेंड में जा रहा है तो उसमें कह रहा है साइन का कॉसेक प्लस है, बाकी शेष क्या हमारे माइनस है। तो अब देखें साइन, हाँ तो देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा के हो गया था 90 प्लस थीटा के लिए, 90 प्लस थीटा के लिए, तो 90 प्लस थीटा के लिए क्या करेंगे लिखेंगे साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा हमारा किसमें जाएगा, अब देखेंगे सेकंड में जा रहा है 90 प्लस थीटा, किसमें से किसमें साइन और कॉसेक प्लस है, बाकी सब क्या है माइनस, तो साइन हमारा दिया साइन किसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, लेकिन साइन का बदलेगा किसमें कॉसेक में सॉरी कॉस में, तो साइन का हो जाएगा कॉस, लेकिन कहा करेगा ये प्लस में। उसके बाद आएगा अगर कॉस का निकालते हैं तो कॉस 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा सॉरी 90 प्लस, अब कॉस तो इसमें आने लगा, इस कॉस में जा रहा है चौथे वाले में जा रहा है, इसमें साइन और कॉसेक प्लस है, तो क्या हो जाएगा साइन हमारा किसमें जाएगा कॉस हमारा साइन में, तो साइन थीटा लेकिन कहां का हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार अगर निकालते हैं आगे का टेन का, तो टेन 90 प्लस थीटा इक्वल कितना हो जाएगा टेन किसे बदलेगा कॉट में, लेकिन कहां का हो जाएगा माइनस का, क्योंकि कॉट हमारे पास सेकेंड वाले चतुर्थांश में नहीं दिया, क्योंकि साइन और कॉसेक ही दिया गया है। उसके बाद आता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक, तो कॉसेक बदलता किसमें सेक में, लेकिन कहां का हो जाएगा ये प्लस में, क्योंकि कॉसेक हमारा सेकेंड में जाता है। इसी प्रकार आगे टेन का बदलेंगे, तो टेन वाला हमारा क्या हो जाएगा टेन का, जब कार बराबर निकालेंगे तो कार का हमारा माइनस टेन हो जाएगा, और अगर हम निकालेंगे इसका सेक का, तो सेक का हमारा माइनस का कॉसेक हो जाएगा।
इसी प्रकार से 180 माइनस थीटा के लिए, फिर 180 प्लस थीटा के लिए, उसके बाद में 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, सभी के इसी प्रकार निकाल लेंगे। सिर्फ ये पॉइंट याद रखना है कि 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा में त्रिकोणमितीय अनुपात बदलते हैं, और शेष में 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा में त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है या पूछे जा सकने वाले, कई बार पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, और अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संख्याएं इधर उधर हो सकती है लेकिन क्वेश्चन हमारे लगभग मिलते जुलते होते हैं, तो इसके लिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक हम। हाँ तो देखेंगे एक क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पर, लिखा है यदि काट ए बराबर 4/5 हो तो शेष त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। अब पहले हमें ध्यान रखना शेष त्रिकोणमिति अनुपात, कहने का मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि जो त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं, 6 में एक आपको दिया गया है, जब एक दिया गया तो कौन कितने बचेंगे हमारे 5, जो 5 बचे 5 में क्या करना है 5 के निकालना है त्रिकोणमिति अनुपात निकालना है। और कभी कभी क्वेश्चन बदल सकता है, जैसे लिखा है यदि काट ए बराबर 4/5 हो तो कहते साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन आप देखते क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काट ए बराबर 4/5 है तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए का मान ज्ञात करना है तो हमें साइन ए का मान ज्ञात करेंगे, तो उसके पहले देखेंगे काट ए बराबर होता है फार्मूला में बताया था लाल बटे कक्का, तो लाल बटे कक्का के गाड़ी हमारे पास जा रहा है काट, काट हमारा होता है आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब, अर्थात लिखेंगे हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते काट ए बराबर हो जाएगा 4/5 दिया गया है तो 4/5 अर्थात काट ए बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, तो आधार ये हो गया और लंब ये हो गया। तो अगर साइन ए का मान ज्ञात करें, मान लेते हैं हम सभी के मान ज्ञात करके दिखाते हैं, इस टाइप पूछ सकता है एक का मान, पांचों के नहीं पूछेगा, हो सकता है दो या तीन किसी के मान पूछ ले तो आप उसी के मान निकालिएगा, अदरवाइज किसी के मान निकालने का आवश्यकता नहीं है। तो काटे बराबर 4/5 आधार बटे कितना हो गया लंब, जब आधार बटे यहां पर लंब दिया गया है तो सीधी सी बात है हमें करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्यों, क्योंकि साइन बराबर होता है आधार, लंब बटे कितना होता है कर्ण होता है, तो कर्ण यहां पर दिया नहीं, तो इसके पहले लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग, और धन क्या होता है आधार का वर्ग। कर्ण को कैसे लिखते हैं, तो के का वर्ग हो जाएगा, एम का वर्ग हो जाएगा, ए का वर्ग हो जाएगा। अब यहां पर कर्ण हमारे पास दिया नहीं है तो कर्ण में निकालना है, तो कर्ण का वर्ग ऐसे ही रखो, लंब कितना दिया गया 5, तो 5 का वर्ग हो जाएगा, प्लस आधार कितना दिया गया 4, तो 4 का वर्ग हो जाएगा, तो कर्ण इक्वल्स कितना हो जाएगा 5 जा होता है 25, 4 जा कितना होता है 60, तो यहां पर निकालेंगे कर्ण, तो यहां पर हो जाएगा 25 10 35, 35 6 कितना हो जाएगा 41, तो आ जाएगा 41। अब 41 हो जाएगा यहां पर कर्ण दिया गया, तो निकालेंगे कर्ण का वर्ग, अब यहां पर वर्ग जो मारा था वर्ग दूसरे पद जाएगा तो किसका रूट लेगा रूट का, तो कर्ण बराबर निकल आएगा रूट 41, तो कर्ण बराबर यहां पर लिख देते हैं आ जाएगा अंडर रूट कितना हो जाएगा 41 हो गया। अब कोई दिक्कत ही नहीं, लिखेंगे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर होता है लंबटे कर्ण, तो लंबटे कर्ण लिख लेंगे, उसके बाद कास सभी के मान पर लिख लेते हैं, कास आधार बटे कितना हो जाएगा कर्ण, उसके बाद आ जाता है टेन, तो टेन हमारा हो जाएगा लंबटे आधार। अब इसके बाद में क्या आ जाएगा, टेन के बाद आ जाएगा काट, मान लेते हैं काट थीटा इक्वल्स हो जाएगा आधार बटे लंब, उसके बाद आ जाएगा कास का उल्टा होता है सेक, तो सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और यहां पर आ जाएगा कासिक थीटा, कासिक थीटा इक्वल्स हो जाएगा कर्ण बटे लंब, तो अब कुछ करना नहीं, लंब कह रहा है तो लंब की वैल्यू कितनी थी 5, तो 5 आ गई, कर्ण हमारा कितना दिया रूट 41, तो रूट 41 हो गया। इस प्रकार का थीटा बराबर कितना दिया आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारे पास कितना है 4 है, तो आधार यहाँ पर 4 लिखेंगे, कर्ण हमारा रूट कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। टेन थीटा बराबर कितना होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब हमारा दिया 5 और आधार हमारा कितना दिया गया 4, तो 5/4 हो जाएगा। अब आधार कितना दिया गया है 4 और लंब कितना दिया गया है 5, 5/4, क्योंकि कार्ड का सभी निकालने वाला कार्ड का हमारे पास ये दिया है वैल्यू पहले से, लेकिन तभी हमने लिख ली सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण हमारा दिया गया रूट 41 और आधार हमारा कितना है 4, आधार हमारा 4 है। उसके बाद कासिक थीटा आता है तो कासिक थीटा कर्ण हमारा हो जाएगा रूट का 41 और लंब हमारा कितना हो जाएगा 5। इस प्रकार से 6/6 हमारे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए। अब इसी के बाद में अगला क्वेश्चन एक देखते हैं, और क्वेश्चन दिया अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है
तो भी आप आसानी से कर लें। बहुत कठिन नहीं, बहुत ही सरल क्वेश्चन हैं और ये सब इस टाइप के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है, अगला एक क्वेश्चन दिया गया है, जैसे मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन दिया है 1 - tan² 45 1 - tan² 45 अपान में क्वेश्चन दिया गया है 1 + tan² 45 1 + tan² 45 और इसके ऑप्शनल दिए गए हैं कि एक दिया गया है cos 90 sin 90 बी पार्ट दिया है sin 90 और सी पार्ट दिया गया है इसका है tan 90 sin 45 और डी हमारा sin 45। ये आपके ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। अब इसमें से क्वेश्चन को पहले हमें प्रूव करना है, प्रूव करने के बाद में फिर जो आंसर आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट क्वेश्चन देखें कौन सा हमारा आता है इसमें। तो पहले हम ध्यान देंगे वन को ऐसे लिखेंगे, तो पहले ध्यान देंगे 10 45 का मान कितना होता है, तो 10 45 का मान होता है 1। तो 10 45 का दिया 10 का वर्ग है तो 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 + tan 45 में दिया तो 10 45 का मान हो जाएगा 1, 1 का वर्ग हो जाएगा। अब आपको पता है कि 1 - अब 1 यहां पर दिया गया है तो 1 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 1, इधर 1 + 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, तो 1 से 1 जाएगा 0 और नीचे 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 आता है 0 आ जाएगा। तो हमें देखना है साइन के पदों में 10 चल रहा था तो इसमें देखेंगे 0 किसका मान होता है, इसमें से देखेंगे 0 किसका मान होता है तो होता है साइन 90 का मान, सॉरी 0 होता है cos 90 का मान, किसका होता है cos 90 का मान कितना होता है 0 होता है तो यहां पर आ जाएगा cos 90। तो कौन सा ऑब्जेक्ट सही है अपन ए, तो लिखेंगे आता ए ऑब्जेक्ट या ए विकल्प सही है। इस तरीके से क्वेश्चन ये हो गया। अगला क्वेश्चन एक दिया गया है, अगला क्वेश्चन होता है जैसे लिखा है sin 2a = 2 sin a, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है sin 2a = 2 sin a। तो क्वेश्चन कह रहा है कि sin 2a = 2 sin a सत्य है जब a का मान है, तो मान लेंगे माना a = 0 डिग्री, तो इसी वाले समीकरण रखेंगे sin 2 * 0 हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 2 sin, अब a का मान यहां पर कितना दिया गया है 0, अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा sin 0, तो ये खत्म हो जाएगा 0 मान कितना हो जाएगा यहां पर 0 हो जाएगा और यहां पर क्या लिखा है 2 sin, तो 2 sin यहां पर दिया गया था इसका मान कितना हो जाएगा 0, तो 0 = 0 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अगर आपके पास क्वेश्चंस है कि tan a = √3 और इसको एक तरीके से और भी लगा सकते हैं, आप ध्यान रखना 0 हो जाएगा ये मान तो ये जाएगा sin 0 हो जाएगा, थोड़ा करके देख लेते हैं sin 0 होगा, इधर हमारे पास आ जाएगा 2 और sin 0 का मान कितना होता है 0 होता है, तो यहां पर sin 0 का मान कितना होता है 0 और 2 * 0 हमारा कितना है तब भी हमारा 0 ही आएगा। अगला क्वेश्चन एक दिया गया है कि tan a = 1/√3, तीसरा नंबर tan a = 1/√3 और आगे क्वेश्चन दिया गया है tan b = √3 tan b = √3, तो क्वेश्चन कह रहा है कि tan a = 1/√3 और tan b = √3, तो a + b का मान ज्ञात कीजिए, तो हमें करना है a + b का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड वन, तो इक्वेशन फर्स्ट से यानी समीकरण 1 से देखेंगे, तो 1 में लिखा है tan a हमें ज्ञात करना है a + b का मान, tan a + b का मान ये हमें फाइंड करना है, tan a + b = ? ये हमें फाइंड करना है, तो tan a = 1/√3, तो अब देखेंगे tan a के मान में 1/√3 किसका मान होता है, तो 1/√3 हमारा होता है tan 30 का मान होता है, तो यहां पर लिखेंगे tan a = tan 30, तो यहां पर tan a कैंसिल हो जाएंगे तो a = कितना हो जाएगा 30 डिग्री, a = वैल्यू निकल आई। उसके बाद हमें निकालना है b, तो यहां पर tan b = लिखेंगे tan b = हो जाएगा √3, तो √3 यानी tan के पदों में √3 किसका मान होता है tan 60 का मान होता है,
तो टेन बी इक्वल हो जाएगा टेन सिक्सटी, तो टेन टेन कैंसिल जाए तो बी इक्वल कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ये निकल आएगा। अब ये दोनों के मान उठा करके हम कहां रख देंगे, टेन नब्बे सॉरी इसमें रखेंगे, तो जाएगा टेन थर्टी प्लस 60, तो टेन थर्टी प्लस 60 हमारा हो जाएगा टेन 90, और यहां पर टेन 90 और क्वेश्चन में कह रहा था टेन ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए, तो ए प्लस बी का मान जब हम ज्ञात करेंगे टेन 90, तो टेन 90 का मान कितना होता है, तो टेन 90 का मान होता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तो देख लेना टेबल अपनी बना करके जो वैल्यू आपने याद की उससे मैच कर लेना, टेन 90 का मान होता है इनफाइनाइट, तो यहां पर हो जाएगा इनफाइनाइट। चलिए आगे देखते हैं अन्य क्वेश्चन। इसी वीडियो में आपको हम त्रिकोणमिति का परिचय जो है इसी वीडियो में आपको बता देंगे पूरा, आप आसानी से देखते रहिए और एक क्वेश्चन को गहराई से समझिएगा। सबसे बढ़िया आपका तरीका ये होता है कि अगर आप फार्मूले समझ में आ गए आपके तो आप आसानी से क्वेश्चंस को कर लेंगे, अगर आप फार्मूले नहीं समझ पा रहे हैं या वैल्यू नहीं याद किए पा रहे तो फिर आप फंसते रहेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। जैसे एक अगला क्वेश्चन दिया गया है बहुत ही आसान है, जैसे लिखा कॉसेक 42 और सेक 48, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 कॉसेक 42 डिग्री और नीचे दिया गया है कॉसेक 42 नीचे सेक 48 सेक 48, तो अब हमें करना क्या है, इसमें पूछ रहा है का मान ज्ञात कीजिए, हमें मान ज्ञात करना है, का मान फाइंड करना है। तो देखो कॉसेक लिखा है कॉसेक 42 नीचे 48, इन क्वेश्चनों में हमें एएचटीसी वाला जो हमने फार्मूला बताया था बस वही फार्मूला इसमें काम आने वाला है, ये लिखा है एएचटीसी। तो यहां पर सन इसमें क्या करना होता है, किसी एक पद को या तो अंश वाले को चेंज कर लें हर के अकॉर्डिंग या तो हर वाले को अंश के अकॉर्डिंग चेंज कर लें। तो यहां पर कॉसेक 42 दिया गया है तो कॉसेक 42 उसके बाद से 48 दिया गया है तो एक को चेंज करें, जिसे हम चेंज करते हैं लाना कॉसेक 42 तो कॉसेक 42 चेंज करें तो इसमें एक यानी चेंज कर ले कॉसेक 42 तो कॉसेक से क्या घटा दें कॉसेक 90, 90 से क्या घटा दें 48, घटाएंगे तो 42 बचेगा तो यहां पर 48 हो गया। और नीचे हमारे पास वही रखेंगे सेक 48, अब आप ध्यान दो कॉसेक 90 वाला थीटा दिया गया 48 पर थीटा वगैरह कितनी थी 48 है, तो जहां पर थीटा लिखते थे वहां पर 48 लिख सकते हैं, फिलहाल हम यहां पर थीटा मान पर चल रहे हैं, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा किसमें जा रहा आर प्लस 90 माइनस थीटा इसमें तो जा रहा था फर्स्ट वाली में, इसमें आर प्लस सिर्फ और सिर्फ कॉसेक का किसमें चेंज हो जाएगा सेक में, त्रिकोणमिति अनुपात बन जाएगा तो हो जाएगा सेक 48, यहां पर थीटा था तो थीटा यहां पर क्या हो जाएगा 48, नीचे हमारे पास दिया है सेक 48, ये कैंसिल तो 1 नीचे होगा तो 1/1 इक्वल कितना हो जाएगा 1। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अति लघुतरी क्वेश्चन में भी एक नंबर या दो नंबर जो भी आता है पूछा जा सकता है। अगला एक क्वेश्चन दिया गया है कि कॉट थीटा बराबर 5/4, पांच नंबर क्वेश्चन कॉट थीटा बराबर 5/4, तो कह रहा है 2 sin theta माइनस 3 cos theta अपान में दिया है 3 sin theta प्लस 2 cos theta 3 sin theta प्लस 2 cos theta, ये क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है cot theta बराबर 5/4, तो कह रहा है 2 sin theta माइनस 3 cos theta अपान 2 sin theta प्लस 2 cos theta, तो कह रहा है का मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करने के सबसे अच्छे तरीके से हमें क्या पता है, क्वेश्चन को कठिन ना करने के लिए हम छोटा सा तरीका लगाएंगे, छोटा सा तरीका क्या है कॉट थीटा, अब यहां पर कॉट थीटा बराबर लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का आता है आधार बटे लंब, तो यहां पर हम सीधे लिख देते हैं ये आधार हो गया और ये क्या हो गया लंब हो गया, जब आधार बटे लंब दिया है और साइन थीटा की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है तो साइन थीटा की वैल्यू जब ज्ञात करेंगे तो वहां पर हमें लगाना पड़ेगा कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो हमें कर्ण क्या हो सकता है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं, बाकी कई तरीके से लगाया जा सकता है लेकिन सबसे सरल तरीका आपको बता रहे पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा लंब का स्क्वायर और धन आधार का स्क्वायर, तो यहां पर कर्ण हमारे पास है नहीं तो हमें कर्ण निकालना है, लंब हमारे पास कितना है 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 और 5 25, तो आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा
सोलह पांच कितने हो, सोलह दस पच्चीस, दस पैंतीस, छह इकतालीस, अंडर रूट में कितना जाएगा, इकतालीस आ जाएगा। जब अंडर रूट में हमारे पास इकतालीस आ जाएगा तो हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, करा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर के निकला है, साइन थीटा का मान निकाल लो, साइन थीटा इक्वल लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारे पास कितना है, लंब चार, और कर्ण हो जाएगा अंडर रूट में कितना, इकतालीस। कॉस थीटा वाला निकालेंगे, कॉस थीटा वाला आधार बटे कितना होता है, कर्ण, तो आधार हमारा कितना है पांच, और कर्ण हमारा रूट में कितना हो जाएगा, इकतालीस। अब इस क्वेश्चन में रख दो करके, तो दो बड़े साइन थीटा का मान अभी हमने कितना निकाला, चार बटे अंडर रूट इकतालीस, चार बटे अंडर रूट इकतालीस माइनस तीन गुड़े कॉस थीटा का मान कितना निकला, पांच गुड़े अंडर रूट इकतालीस, पांच गुड़े सॉरी तीन गुड़े पांच बटे अंडर रूट इकतालीस, ये बटे की लाइन हो गई। अब आ जाएगा नीचे, दो गुड़े साइन थीटा हो जाएगा चार बटे अंडर रूट में कितना हो जाएगा, इकतालीस, प्लस हो जाएगा दो गुड़े कॉस थीटा दिया गया, सॉरी यहां पर तीन है भैया, तीन यहां पर आएगा, तीन दिया गया, यहां पर आ जाएगा दो गुड़े कॉस थीटा का मान कितना देगा, पांच बटे रूट इकतालीस आ जाएगा। अब ऊपर पर गुणा करते, कुछ कटने वाला है नहीं, तो चार दूनी कितना हो जाएगा आठ, आठ बटे रूट इकतालीस माइनस पांच तीन पंद्रह, पंद्रह बटे कितना जाएगा रूट इकतालीस, नीचे हमारे पास चार तीन बारह, बारह बटे कितना जाएगा रूट इकतालीस, इधर प्लस में पांच दूनी दस, दस बटे कितना रूट इकतालीस। अब यहां पर एलसीएम कितना मिल जाएगा, रूट इकतालीस, तो आ जाएगा आठ माइनस पंद्रह, नीचे कितना आ जाएगा रूट इकतालीस, इधर हमारे पास आ जाएगा नीचे 12 प्लस 10, 12 प्लस 10 आ जाएगा रूट इकतालीस, तो रूट इकतालीस रूट इकतालीस खत्म हो जाएगा, 15 से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7, माइनस के 7, और बटे में कितना है 12, 10 कितने होते हैं 22, तो आ जाएगा माइनस का 7 बटे 22, माइनस का 7 बटे 22, ये हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से पांच क्वेश्चन आपके हो गए, आगे देखते हैं।